अपराधों का गढ़ कहे जाने वाले यूपी में हर रोज कोई ना कोई खौफनाक मामला सामने आता है। इस आपराधिक कड़ी में एक और मामला जुड़ गया है। हालिया मामले में एक महिला सभासद पर दबंगों द्वारा तेजाब डालने की घटना सामने आई है। दरअसल यह घटना उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की है, जहां एक महिला सभासद पर दबंगों ने तेजाब फेंक दिया। फिलहाल तेजाब के हमले में घायल सभासद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि वार्ड एक की महिला सभासद अपने पति के साथ घर में ही किराना की दुकान चलाती है। मामला वहां शुरू हुआ तब सभासद ने मोहल्ले के कुछ लोगों से दुकान के उधार के रुपए मांगे तो वह लड़ाई करने को आमादा हो गए। उस वक्त तो लोगों ने मामले को शांत करा दिया, लेकिन वहां के कुछ दबंग लोग सभासद को जिंदा जलाने की धमकी देकर चले गए थे। अगले दिन आरोपी तेजाब लेकर फिर आए और महिला के घर में घुसकर उस पर तेजाब फेंक दिया, जिसमें महिला बुरी तरह से घायल हो गई। परिवार के लोगों ने महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए नीतू की रिपोर्ट।